राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर, मां हिंदी के वैसे सपूत जिनकी कालजयी कृतियों ने हिंदी को विश्व पटल पर लाकर खड़ा कर दिया है। हिंदी मां के आंगन में ऐसे बेटे बेटियों की कमी नहीं है, कोई दो चार नहीं है कि मैं गिनकर बता दूं, अनगिनत हैं। उनमें से हिंदी के एक वरद पुत्र रामधारी सिंह दिनकर हैं, जिनकी आज पुण्यतिथि है। इस पावन अवसर पर दिनकर जी को कोटि कोटि नमन। आज उस मूर्धन्य कवि रामधारी सिंह दिनकर की रचना रश्मि रथी तृतीय सर्ग का पाठ करूंगा। यह प्रसंग महाभारत के उस कालखंड की याद दिलाता है जब पांडवों का अज्ञातवास समाप्त हो चुका है। कौरवों और पांडवों में सुलह करवाने भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर आए हुए हैं। दुर्योधन को प्रस्ताव देते हैं कि आधा राज नहीं देना है तो ना दो, पांडवों के गुजर बसर के लिए सिर्फ 5 गांव दे दो, 5 पांडव 5 गांव। अहंकार में चूर दुर्योधन इस पर भी राजी नहीं होता। वो भगवान श्री कृष्ण को कैद करने के लिए आगे बढ़ता है और कृष्ण अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीष्म विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाज मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीष्ण हुंकार किया, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले। जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में। उद्याचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वच स्थल विशाल। भूज परिधि बंध को घेरे हैं, मैना के मेरु पग मेरे हैं। दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग अचर अचर, नस्वर मनुष्य सुर जाति अमर। सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र, सतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र। सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि विष्णु जलपति धनेश। सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें। हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। भूलोक अतल पाताल देख, भूलोक अतल पाताल देख। गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि का सृजन। यह देख महाभारत कारण, मृतकों से पटी हुई भू है। पहचान कहाँ इसमें तू है। अंबर में कुंतल का जाल देख, अंबर में कुंतल का जाल देख। पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख। मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से कड़ती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन। पर जाति मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जभी मूंदता हूं लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है, कृष्ण कहते हैं, दुर्योधन तुम मुझे बांधने आए हो, क्या जंजीर बरी लेकर आए हो? बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बरी क्या लाया है? यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सुने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है? हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो लो मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, याचना नहीं अब रण होगा। जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वहीन प्रखर।
फनशेष नाग का डोलेगा, फनशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी न जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे, वाय श्रृंगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे, आखिर तू भूसाई होगा, हिंसा पर दाई होगा। थी सभा संग सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश परे, केवल दो नरन अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, करजोर खरे प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। भगवान सभा को यह कह छोर चले, भगवान सभा को यह कह छोर चले, अब याचना नहीं अब रन होगा, अब याचना नहीं अब रन होगा।